हे एवरी वन, वेलकम टू स्टोरी बी। लेट्स टॉक अबाउट एम्बर हर्ड, वाई शी इज़ गोइंग ब्रोक। जॉनी डेप के अगेंस्ट डिफेमेशन केस हारने की वजह से एम्बर को अभी $10 मिलियन से भी ज़्यादा का अमाउंट जॉनी को देना है इन डैमेजेस, बट उसके पास इतने पैसे नहीं है, जिस वजह से शी इज़ नाउ सेलिंग हर प्रॉपर्टी। अभी लेट्स अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में एम्बर कितना ओ करती है जॉनी डेप को। सो डेफामेशन केस जो था ना, वो दोनों साइड से था। जॉनी सूड एम्बर फॉर $50 मिलियन एंड देन एम्बर ने काउंटर सूट फाइल किया अगेंस्ट जॉनी फॉर $100 मिलियन। ये केस का वर्डिक्ट जूरी ने जॉनी डेप के फेवर में दिया। डैमेजेस दो तरह के डिफाइंड थे, कॉम्पेंसेटरी एंड एक प्यूनेटिव। कॉम्पेंसेटरी डैमेजेस वो डैमेजेस होते हैं जिसमें मनी इज अवॉर्डेड टू कम्पनसेट फॉर डैमेज, इंजरी और अदर लॉस इनकर्ड। जॉनी के ट्रायल के दौरान जॉनी के लॉयर्स ने ये प्रूव किया दैट वो ओपेड की वजह से जॉनी वॉज डीफेम्ड एंड हेंस कई सालों तक उन्हें काम नहीं मिल रहा था। एंड प्यूनेटिव डैमेजेस उसे कहता है विच इज अवॉर्डेड टू पनिश द डिफेंडेंट एंड इट एक्सीड्स सिंपल कॉम्पेंसेशन। तो जूरी का वर्डिक्ट ये था कि कॉम्पेंसेटरी डैमेजेस में एम्बर हर्ड $10 मिलियन देगी एंड प्यूनेटिव डैमेजेस में $5 मिलियन, विच मीन्स वो इन टोटल $15 मिलियन ओ करती है जॉनी डेप को। एंड जॉनी डेप के लिए ये बोला गया कि कॉम्पेंसेटरी डैमेजेस में वो $2 मिलियन देंगे एंड प्यूनेटिव डैमेजेस में $0, उसमें उन्हें कुछ नहीं देना था। बाद में जाके ये वर्डिक्ट में थोड़ा चेंज आया बिकॉज एक लीगल रिस्ट्रिक्शन था उस स्टेट का जहाँ पे ये ट्रायल हुआ था एंड वहाँ के लॉ के हिसाब से एक स्टेट कैप होता है, यानी कि एक लिमिट होता है प्यूनेटिव डैमेजेस में, उससे ऊपर जूरी डैमेजेस में डिक्लेयर नहीं कर सकती। ये केस का ट्रायल क्योंकि वर्जीनिया में हुआ था तो वहाँ का स्टेट कैप $350,000 है। इसी वजह से जज को चेंजेस करना पड़ा एंड एम्बर हर्ड का प्यूनेटिव डैमेजेस 5 मिलियन से कम होकर $350,000 हो गया, विच मीन्स इन टोटल शी ओज $10.35 मिलियन। अभी एम्बर के पास इतना पैसा नहीं है, जिस वजह से वो ट्राई कर रही है टू डिसमिस द लास्ट ट्रायल एंड इज रिक्वेस्टिंग फॉर अ फ्रेश ट्रायल, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि लास्ट ट्रायल वॉज अनफेयर, बट एम्बर का ये रिक्वेस्ट डिनाई कर दिया गया है। कुछ टैबलॉइड्स ने ये भी मेंशन किया था दैट एम्बर को अगर ये वर्डिक्ट को चैलेंज करना है तो पहले शी हैज टू पे द डैमेजेस एंड देन ओनली शी कैन डू दैट। एंड ये डिसीजन इसलिए लिया गया सो दैट एम्बर मैलिशियस वे में एक्ट ना कर पाए। केस अगर वो फाइल करती गई तो जॉनी डेप को पे करना डिले कर दी जाएगी एंड ये उसका एक मोटिव हो सकता है जिस वजह से शी इज रिक्वेस्टिंग फ्रेश ट्रायल। जब तक कोर्ट केस चलता रहेगा वो पैसा देना अवॉइड कर सकती है, शायद ये रूट वो लेना चाहती है, पर अभी करंटली एम्बर सब जगह से फंस चुकी है। रीजन बीइंग, जितना वो डिले करेगी उतना इंटरेस्ट भी उसे पे करना पड़ेगा जॉनी को। रिसेंटली एम्बर ने उसका एक प्रॉपर्टी भी सेल किया फॉर $1,050,000। ये घर उसने कुछ $570,000 में खरीदा था। अभी एम्बर को जिसको पे करना है ना, उसका कुछ लिस्ट इस तरह है। जॉनी डेप को शी हैज टू पे अराउंड $8.4 मिलियन, एक्चुअल अमाउंट जो है वो $10.35 मिलियन है, पर क्योंकि वर्डिक्ट में इट वाज सेड दैट जॉनी को भी $2 मिलियन एम्बर को देना पड़ेगा, सो पॉसिबिलिटी है कि जॉनी एंड एम्बर के जो लॉयर्स है ना, वो ये एडजस्टमेंट एम्बर के केस में करें क्योंकि उसके जो डैमेजेस है वो जॉनी से ज्यादा है। तो इस तरह $8.4 मिलियन उसे जॉनी को देने हैं एंड जितना वो डिले करेगी इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। देन एम्बर ने जो लॉयर्स हायर किए थे ना, उन्हें भी शी हैजंट पेड। कुछ $3 से $6 मिलियन उनका भी फी पेंडिंग है। देन इफ यू रिमेम्बर $7 मिलियन जो डिवोर्स के बाद शी टुक फ्रॉम जॉनी, उसको भी वो चैरिटी में देने वाली थी तो उसने कभी वो दिया नहीं, तो ये भी एक लायबिलिटी है। इन शॉर्ट अराउंड $18 to $20 मिलियन डेट में है वो। देन उसके नेटवर्थ की बात करें तो एक्वामैन 1 के दौरान शी गॉट $1 मिलियन, एक्वामैन 2 के लिए शी गॉट $2 मिलियन, फिर $7 मिलियन उसे जॉनी डेप से डिवोर्स सेटलमेंट के दौरान मिला था, फिर कुछ बीच बीच में उसकी फिल्में भी आई है। तो 2021 के अराउंड हर नेटवर्थ वॉज एस्टिमेटेड टू बी $12 मिलियन, बट टैक्सेस एंड हर लिविंग एक्सपेंसेस ये सब भी कैलकुलेट किया जाए तो इतना भी नेटवर्थ उसका नहीं है, उससे कम ही है। एंड अभी इस साल जो डेट कैलकुलेशन हुआ था उसे निकाल दे नेटवर्थ से, तो अभी 2022 में 12 मिलियन से डायरेक्ट -$6 या $8 मिलियन एस्टिमेट किया गया है उसका नेटवर्थ। इन शॉर्ट उसके जो एसेट्स है वो एडजस्ट भी करें ना, स्टिल शी इज इन $6 मिलियन का डेट। एंड ये पैसा वो कहाँ से लाएगी, नो वन नोज। ये डेफामेशन केस के बाद उसे फिल्में भी ऑफर नहीं हो रही। एक्वामैन 2 से भी उसका जो पार्ट है ना, वो कट किया गया है। इन अ वे शी इज इन अ डीप मेस। जो मेस वो जॉनी के लिए खोद रही थी ना, उसमें वो अभी खुद फंस चुकी है। उसने जो एलिगेशंस लगाए थे जॉनी के ऊपर, उस वजह से कुछ 3 या 4 साल तक जॉनी डेप के पास कोई काम नहीं था बिकॉज नो वन वॉन्टेड टू वर्क विद हिम। इवन दो कोर्ट में उनके लॉयर्स ने ये बोला दैट $50 मिलियन का लॉस हुआ है जॉनी को बिकॉज ऑफ एम्बर, बट इन रियलिटी द एक्चुअल फिगर वॉज मोर देन दैट। पर मूवी जॉनी $20 मिलियन चार्ज करते थे, तो 4 साल एक भी मूवी ना मिलने की वजह से ऑलरेडी $50 मिलियन से भी ज्यादा का लॉस ही हैज फेस्ड। ऊपर से बड़े बड़े ब्रांड डील्स भी उनसे छीन लिए गए थे, प्लस हिज क्रेडिबिलिटी वॉज डिस्ट्रॉयड। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन जैसी बड़ी फिल्म से ही वॉज ड्रॉप। जस्ट 4 साल का लॉस नहीं हुआ है, बट जो प्रोजेक्ट्स जिससे जॉनी को अपकमिंग ईयर्स में प्रॉफिट होने वाला था, सब एम्बर की वजह से चला गया। इसी वजह से सबके मन में ये सवाल था कि जॉनी के लॉयर्स ने सिर्फ $50 मिलियन के लिए सू क्यों किया, ज्यादा के लिए करना चाहिए था। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जॉनी के लॉयर्स इसलिए भी कंजर्वेटिव नंबर पेश कर रहे थे सो दैट वो जूरी को अनरियलिस्टिक ना लगे, प्लस ग्रीडी भी साउंड ना करे। जैसे एम्बर ने गलती किया, डायरेक्टली $100 मिलियन के लिए सू कर दिया, विच वॉज अपसर्ड क्योंकि उसको फिल्मों के लिए $10 मिलियन के ऊपर तभी मिलता
पैसा भी नहीं था। तो इन माई पर्सनल ओपिनियन जॉनी इज लॉयर टुक द राइट कॉल। नो डाउट उनकी जो टीम रही है वो अमेजिंग रही है। प्लस जॉनी ये केस पैसों के लिए नहीं जीतना चाहते थे, पर यू वॉन्टेड टू क्लियर हिज नेम। जिस बंदे का नेटवर्थ 4 साल बिना काम किए भी 150 से 200 मिलियन डॉलर्स के बीच में है, तो डू यू थिंक वो एम्बर के 8 मिलियन डॉलर्स के लिए रुखा रहेगा? ना, ही वॉज जस्ट वेटिंग फॉर जस्टिस। ही वॉन्टेड दैट लोगों को सच पता चले। 1984 से ही हैज बीन वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री, तो 38 ईयर्स की मेहनत। ऑफकोर्स जॉनी को ऐसे नोट पे तो खत्म नहीं करना था। एंड बीच में जॉनी ने अपना एक आर्ट भी सेल किया एंड उसके लिए ही गॉट 4 मिलियन डॉलर्स। तो इससे दिखाई दे रहा है कि लोग कितना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं जॉनी को। एंड आई फील जूरी को प्यूनिटिव डैमेजेस का लिमिट होता है वर्जीनिया में, ये नहीं पता होगा, क्योंकि नहीं तो वो 5 मिलियन डॉलर्स वहां नहीं डालते, वो कंपेंसेटरी डैमेजेस बढ़ा देते, बिकॉज दे वॉन्टेड कि इन टोटल 15 मिलियन डॉलर्स जॉनी को मिले। एनीवेज करंटली एम्बर उस कंडीशन में है नहीं दैट शी कैन पे हिम और हर लॉयर्स फॉर दैट मैटर। खुद उसके लॉयर्स भी इंटरव्यूज में वगैरह ये चीज एक्सेप्ट करते आ रहे हैं। तो शी इज एन इमेंस डेट। स्टिल वो ट्राई कर रही है फिर से कोर्ट जाने का सो दैट उसे दूसरा ट्रायल मिल सके। ये पूरे केस के दौरान उसने कभी अकाउंटेबिलिटी लिया ही नहीं है उसकी गलतियों का, ना उसने कभी ये एक्सेप्ट किया है कि उसने झूठ बोला है। इंस्टेड वो दूसरों को ही ब्लेम करने में लगी रही कि जूरी फेयर नहीं था, ट्रायल फेयर नहीं था, एवरीवन वाज बायस्ड एंड ये वो। उसे समझना पड़ेगा कि लोगों को उससे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। 2017-18 में जब जॉनी को हेट मिल रहा था तब तो शी वाज एंजॉयिंग ऑल दिस, सब जगह विक्टिम की तरह वो इंटरव्यूज दे रही थी, पीपल सपोर्टेड हर, क्योंकि पूरा सच सामने नहीं आया था। अभी जब एविडेंस सामने आया है तो जिस तरह उसे ट्रीट किया जा रहा है वो उसे अनफेयर लग रहा है। एंड अभी ये सिचुएशन में जॉनी इज नॉट गोइंग अराउंड गिविंग इंटरव्यूज अगेंस्ट हर द वे शी डिड। शी इंडीड एक्टेड विद मैलिस एंड जूरी ने वो देख लिया। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि एम्बर हर्ड के नेटवर्थ के बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।